हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आज अपनी इस वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ लॉन्ग लास्टिंग वाटरप्रूफ काजल किस तरीके से लगा सकते हो, और अगर आप बिगनर्स हैं आई शेडो लगाना सीखना चाहते हैं तो आई शेडो भी किस तरीके से आपको लगाने हैं और कैसे कैसे आप लगा सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पर काजल हम ले लेंगे लोटस का। यहाँ से इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके लगाना है, और अगर आप इसको काजल को लगाते वक्त इसी तरीके से छोड़ देंगे तो हो सकता है आईज़ के नीचे जो हमारे लाइन होती हैं उनके जरिए हमारा काजल नीचे तक बहकर आ जाए और फैल भी जाए। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई करना है। उसके बाद आपको एंगल ब्रश लेना है अपना, और यहाँ से स्किन को इस तरीके से पकड़ना है और इसको अच्छे से मर्ज करना है। हल्के हल्के हाथों से करना है। जब हम इसको मर्ज कर देंगे तो इसमें एक्स्ट्रा जितना भी होगा हमारा काजल वो निकल जाएगा और अच्छे से ये सेट हो जाएगा। हम ब्राइड करते हैं कभी भी अपनी, तो हम इसी तरीके से काजल अप्लाई करते हैं जिससे काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है और बिल्कुल भी नहीं फैलता है। आपको यहीं की यहीं इसको मर्ज करना है, ये देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो मैं हाथ लगाऊंगी तो भी मेरा काजल बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, और बैक में भी आप थोड़ा लेकर जाना चाहते हैं तो एक शेप बनाते हुए ले जा सकते हैं। छोटा ब्रश होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, और कोई भी अच्छा सा कॉम्पैक्ट पाउडर होना चाहिए आपके पास। इस तरीके से कॉम्पैक्ट पाउडर लेंगे और अपनी आई काजल के नीचे बिल्कुल एक लाइन बना देंगे इस तरीके से, जिससे आपका काजल बिल्कुल भी नीचे नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और बिल्कुल भी नहीं फैलेगा, और काजल में एक बहुत सुंदर सी फिनिशिंग भी आएगी। आप देख रहे हो यहाँ से कितनी सुंदर लाइन आ गई है, तो और आपका काजल काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। तो ये बहुत इजी टेक्निक है, आप भी करके देखिएगा, काफ़ी अच्छी लगेगी आपको। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा काजल चाहे 10 घंटे रहे, चाहे 12 घंटे रहे, चाहे आप ब्राइड को कर रहे हो, चाहे गर्मियों में करो, किसी भी तरीके से आप अगर इस टेक्निक को यूज़ करके काजल लगाएंगे तो आपका काजल बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और नीचे जो लाइन बनी है वो फिनिशिंग बिल्कुल वैसे की वैसे रहेगी आपकी। यहाँ पर देख सकते हो काजल बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें मैंने मर्ज करके जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी होती है हमारे काजल की हम वैसे ही छोड़ देते हैं और एक बेस लगाते हैं, तो बेस के थ्रू हमारा नीचे आ जाता है, और आप अगर कॉम्पैक्ट सेट भी नहीं करते हैं तो उसके थ्रू भी नीचे आ जाता है। तो आप इस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सेकेंड आइज में भी इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है यहाँ पर, और कभी भी काजल लगाते हैं तो आप फ्रंट से ना लगाएं, आप सेंटर से अप्लाई करें। इस तरीके से सेंटर से लगाएंगे, और सेंटर से लगाते हुए आप फ्रंट की तरफ इस तरीके से जाएंगे, और फिर आप बैक से लगाते हुए सेंटर में आएंगे। इस तरीके से इसको मर्ज करना है। मैं हमेशा अपनी ब्राइड को इसी तरीके से लगाना पसंद करती हूँ, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग तो रहता ही रहता है, साथ में बिल्कुल भी नहीं निकलता है। यहाँ पर फिर से काजल को सेट करने के लिए मैं ले रही हूँ पर्पल का मैट कॉम्पैक्ट पाउडर, और कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत अच्छी तरीके से आपको लगाना है, इससे आपका काजल बिल्कुल भी नीचे नहीं आएगा, फिनिशिंग आप देख सकते हो। तो आप भी इस तरीके से लगा कर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अब मैं आपको आई शेडो लगाना बताती हूँ बिल्कुल डिटेल में। मैं आपको दोनों टेक्निक बताऊंगी, अगर आप ब्रश से लगाना चाहते हैं या फिंगर से, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास ब्रश भी नहीं है तो फिंगर से लगाने के लिए आप अपनी रिंग फिंगर का यूज़ करेंगे। और हमारा जो ब्रोबन एरिया होता है वहाँ पर हम हमेशा हाईलाइटिंग के लिए गोल्डन या सिल्वर लगाना पसंद करते हैं, और यहाँ पर मैं गोल्डन कलर ले रही हूँ। फिंगर से बताऊँगी आपको, अपनी रिंग फिंगर में प्रोडक्ट लेंगे और इस तरीके से अपने ब्रोबोन एरिया पर लगाएंगे। ये पार्ट हमारा उठा हुआ होता है तो ये ज़्यादा हाईलाइट होना चाहिए। आपकी फिंगर में प्रोडक्ट ज़्यादा है तो हमेशा ब्रोबोन एरिया से शुरू करिएगा ताकि फ्रंट में आते हुए लाइट रहे। फ्रंट में हमें लाइट चाहिए होता है, बैक में डार्क। अब दूसरी आइज़ में मैं आपको ब्रश से लगाना बता देती हूँ कि ब्रश से किस तरीके से आप लगा सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे ब्रश से भी आप ब्रोबोन एरिया से शुरू करेंगे और बाद में फ्रंट की तरफ आएंगे। इस तरीके से आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो और अपनी फिंगर भी। अब आ जाएंगे हम आई शेडो की तरफ। आई शेडो के लिए हम ये ब्रश यूज़ करते हैं, हमारा ब्लेंडिंग ब्रश होता है जो अच्छे से आई शेडो को ब्लेंड करता है। यहाँ पर कट क्रीज के लिए आप कोई भी अच्छा सा एक शेड लेंगे, बट सिंपल लगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ सिंपल बता रही हूँ आपको। तो ये हमारी एकदम सिंपल टेक्निक होती है, कट क्रीज के पास से ही आपको शुरू करना है और तब फ्रंट की तरफ आना है आपको। इस तरीके से ये बिल्कुल सिंपल आई शेडो हो जाएगी हमारी, और बाहर नहीं जाना है आपको, अंदर अंदर ही रखना है
और इस तरीके से इसको हल्के हल्के से फिर सेट करना है। यहाँ से आपकी अलग लाइन नहीं आनी चाहिए कट क्रीज एरिया के पास से, आपको इसको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि आपके आई शेडो में बिल्कुल फिनिशिंग आए। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है हमारी आई शेडो लगाने का, बट आप चाहते हो इसमें डिफरेंट तरीके की मैं आपको बता दूं। बाद आप गोल्डन कलर का लेंगे, जब भी हम शिमर या पिगमेंट वाली आई शेडो यूज़ करते हैं तो हमारी फिंगर से ईजी होती है लगानी। अगर आप ब्रश से भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके का ब्रश यूज़ करेंगे और अपना ये वाला शेड यूज़ करेंगे। मैंने हाइलाइटिंग एरिया पर भी यही लगाया तो इसीलिए मैं फ्रंट में ही ले रही हूँ। इसी से हमारी आई शेडो का लुक चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो, और यहाँ से लेंगे फ्रंट कॉर्नर से। यहाँ पर आई शेडो पैलेट मैं मॉर्फी की यूज़ कर रही हूँ। फैलाना है आपको, हाफ आइज में ही लगाना है आपको, और लगाते हुए धीरे धीरे सेट करना है ताकि आपके आई शेडो का लुक अच्छा आए। बैक वाले हिस्से को हम थोड़ा डार्क करेंगे। आप डे में कर रहे हो, नाइट में कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको आई शेडो लगाना है कितना डार्क या लाइट आप लगाना पसंद कर रहे हो। और यहाँ पर जब ये वाली आई शेडो हम लगाते हैं तो आप पीछे से एक बार दोबारा से वही शेड लेंगे अपना डार्क, और इसे इस तरीके से आपको मिक्स करना है ताकि ये अलग अलग ना दिखाई दे दोनों। ये देख सकते हो इस तरीके से लगेगी आपकी आई शेडो एकदम सिंपल और अच्छी। तो आपको समझ आ गई होगी किस तरीके से लगाना है। अगर आप बिगनर्स हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये इजी टेक्निक मैंने आपको बताई। स्मोकी कट क्रीज, फुल कट क्रीज, और भी आई शेडो मैं डिफरेंट डिफरेंट बताऊंगी। इस वाले आईज में भी आपको यहीं से शुरू करते हुए चलना है। प्रोडक्ट एकदम आप ब्रश में हमेशा कम उठाएंगे। अगर आप ज़्यादा उठाते हैं तो यहाँ सेंटर से रख के कीजिएगा, क्योंकि सेंटर में अगर प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट फ्रंट में आपका प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया तो वो आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कई आई शेडो ऐसी होते हैं जिनके कलर बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। और यहाँ से शेप भी आई शेडो की बहुत डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे जैसे आप मेरे साथ सीखते जाएंगे वैसी वैसी आप आई शेडो और शेप देखते जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन पार्लर कोर्स करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोनों चैनल को, फर्स्ट नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड है और सेकंड ऑल अबाउट हेयर। मैं आपको लाइनर लगा के आई शेडो का प्रॉपर लुक दिखाऊंगी कि कैसा लुक आता है हमारा। और फिर से फ्रंट में लगा लेंगे आप अपना गोल्डन, ये वाला गोल्डन या सिल्वर आप यूज़ कर सकते हो। मॉर्फी आई शेडो पैलेट का गोल्डन शेड यूज़ कर रही हूँ मैं, और आप इन्हीं पर बहुत अच्छे अच्छे कंसीलर से आईब्रो को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, लिपस्टिक कैसे लगा सकते हैं, जो देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा मेरे। बैक से फिर से डार्क कर लेंगे। मैंने थोड़ी सी नेचुरल रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको डार्क भी कर सकते हैं। ये हो गई दोनों आईज, आप देख सकते हो कितना सिंपल लग रही है और काफी सुंदर लग रही है। मैं लाइनर अप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर आप विंग्स वगैरह कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, और इस तरीके से एक ही बार में आप सुंदर सा लाइनर लगाएंगे। जब भी आप लाइनर अप्लाई करते हैं तो आप आईज की शेप देख लीजिएगा कि आईज बड़ी हैं, छोटी हैं, लॉन्ग हैं, कैसी हैं, उसी तरीके से आप लाइनर अप्लाई करेगा तो आईज का लुक एकदम चेंज हो जाएगा और आई शेडो भी अच्छी लगेगी और आपकी आईज भी अच्छी लगेगी। लाइनर यूज कर रही हूँ मैं NYB का लिक्विड लाइनर, जो आपको 65 रुपीज में मिलता है, और थोड़ा सा लॉन्ग निकालेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने इनके आईज़ के अकॉर्डिंग लाइनर लगाया है, थोड़ा सा विंग्स निकालते हो और थोड़ा सा मोटा, ज़्यादा हैवी भी नहीं किया है, ज़्यादा पतला भी नहीं किया है, तो दूसरी आईज़ में भी इसी तरीके से लगा लेंगे। और आप लाइनर लगाना भी सीखना चाहते हो तो बहुत ईजी है, सीख सकते हैं और देख सकते हैं दोनों आईज़ का लुक। लाइनर लगने के बाद आप देख सकते हो मेरी आई शेडो का परफेक्ट लुक। और इस आई शेडो में आप फ्रंट में गोल्डन, ब्राउन, सिल्वर या पिंक कोई भी कलर लगा के बैक में अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर कोई भी लगा सकते हैं। और आई शेडो लगाना आपको आ गया होगा, और लॉन्ग लास्टिंग काजल किस तरीके से लगाते हैं ये भी आ गया होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं कि बिना डार्क एरिया को कवर कैसे करें तो वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, तो चेक कर लीजिएगा। और आप सीखना चाहते हैं कि बिना बनी हुई आईब्रो को डिफाइन कैसे करना है या आईब्रो को कंसील कैसे करना है तो वेट करिएगा मेरी वीडियो का। आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो कुछ नया और अच्छा लगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।